ये हमें कम चाहिए और ये ज्यादा, तभी 1.5 डिग्री से नीचे रह पाएंगे। लेकिन समय कम है। दुनिया भर के ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 3.7% है। हमें और ज्यादा सौर ऊर्जा चाहिए। लेकिन सौर पैनलों को हम कहाँ रख सकते हैं? उन्हें बेशकीमती जमीन पर जगह चाहिए, वो जमीन जो हमें चाहिए शहरों के लिए, मकानों के लिए और सड़कों के लिए, एक व्यवस्थित इकोसिस्टम और भोजन के लिए। जगह का मुद्दा गंभीर है। अपनी बहुत सारी जमीन का इस्तेमाल तो हम भोजन उगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहे अगर हम फसल भी उगाएं और बिजली भी बनाएं, एक साथ दोनों? ये समय है एग्रीवोल्टिक्स का। आइडिया है पैदावार को दोगुना करना। इसके लिए मॉड्यूलों को इस तरह बनाया जाता है कि उसके नीचे की जमीन पौधे उगाने के काम आए। कौन से संभावित तरीके हो सकते हैं? एक है सौर बाड़। बाड़ों के बीच की जगह फसल उगाने में काम आ सकती है, मवेशियों के लिए या फूलों की क्यारियों के लिए। या मॉड्यूल इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि पैनलों को सूरज की ओर घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। लेकिन पौधे पैनलों के नीचे या उनके पास ठीक से कैसे उग पाएंगे? हम लोग बहुत सारी अलग अलग किस्मों की फसलें उगा रहे हैं, वो चीजें जो आप अपने हाट बाजार में देखते होंगे, टमाटर, शिमला मिर्च, स्क्वैश, बैंगन, ये तमाम विभिन्न फसलें बढ़िया हो रही हैं। पौधों को पर्याप्त रोशनी मिल जाती है। सौर पैनलों की छाया में उगने से टमाटर और शिमला मिर्च की फसल तो दोगुनी हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज्यादा धूप मिलेगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, यानी वे उगना बंद कर देंगे। ऐसी दुनिया में जो लगातार गर्म होती जा रही है, उसमें ये मॉड्यूल सिंचाई के लिए जरूरी पानी की मात्रा को घटाते हैं। जरा सोचिए कि आपने कड़ी धूप में कॉफी, पानी या चाय गिरा दी हो और दूसरा वो छांव में गिरी हो, तो कौन सी जगह ज्यादा देर तक गीली रहेगी? जाहिर है छांव वाली। सिंचाई में भी हमें ऐसे ही नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन जी हाँ, यहाँ कुछ लेकिन भी हैं। हर चीज पैनलों के नीचे नहीं उगाई जा सकती। गेहूं और मोटे अनाजों को पूरी धूप चाहिए। रिसर्चर देख रहे हैं कि किस फसल के लिए कौन से पैनल और कौन सा सेटअप बेहतर रहेगा। कुछ पौधों को पैनलों के बीच में ज्यादा बड़े गैप चाहिए। मक्का और गेहूं को लंबे पैनल चाहिए, जबकि सोयाबीन का काम चौकोर पैनलों से चल सकता है। लेकिन आने वाले सालों के लिए रुझान बढ़िया है। बाजार विश्लेषण से जुड़े एक संस्थान के मुताबिक विश्व बाजार अगले 5 साल में करीब 40% की दर से बढ़ेगा। सूखे इलाकों में या खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर देश जैसे भारत, इंडोनेशिया और बहुत से अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में एग्रीवोल्टिक्स से काफी सारी जमीन और पानी को बचाया जा सकता है। तैरते फोटोवोल्टिक या फ्लोटोवोल्टिक एक बड़ी शुरुआत के रूप में उभर रहे हैं। आइडिया ये है कि सौर पैनलों को राफ्ट जैसे तख्तों पर खड़ा कर दिया जाता है जो पानी पर तैरते रहते हैं। दुनिया भर में मौजूद सिर्फ 10% जलाशयों से 23 टेरावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ये इन पैनलों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। ये हैं थॉमस राइंडल। वो बड़े स्तर के फ्लोटिंग पीवी सिस्टमों के आर्थिक और तकनीकी पक्ष का आकलन करते हैं। और गौर से देखें तो इस 23 टेरावाट ऊर्जा का मतलब है उतनी बिजली जितनी आज पूरी दुनिया को एक साल के लिए चाहिए। आप यहाँ सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म देख रहे हैं। यहाँ सौर प्लांट एक जलाशय पर तैरता है और शहर में 4 कमरों वाले 16,000 फ्लैटों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करता है। चीन का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फार्म उससे भी 5 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। पानी भी फ्लोटिंग पैनलों को ठंडा रखता है और इस तरह वे ज्यादा काम कर पाते हैं। पैनलों और ढांचों को इस तरह बनाना होगा कि वे हवा, लहर और दूसरे नुकसान झेल पाएं। अभी तक हुए कई अध्ययनों में से किसी ने भी इन पैनलों का पानी या इकोसिस्टम पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पाया है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगले 5 साल में फोटोवोल्टिक में 30% का सालाना विस्तार होगा। उसका प्रमुख बाजार होगा एशिया, लेकिन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका भी इसमें निवेश करने लगे हैं। सौर पैनल लगाने के लिए कोई और जगह बची है क्या? हाँ, अंतरिक्ष है ना।
जी हाँ, सूरज के जितना नजदीक जा सके उतना बढ़िया। यहाँ सूरज दिन में 2400 घंटे चमकता है और आपको धरती पर जमीन की भी जरूरत नहीं, तो क्यों ना हम पृथ्वी की कक्षा पर सौर पैनल लगा दें? ब्रिटेन की अगुवाई में स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव 2035 तक अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा सैटेलाइट भेजने की सोच रहा है। इसमें उद्योग, सरकारों और विज्ञान जगत के 50 साझेदार शामिल हैं। अमेरिका, चीन और जापान भी सौर स्पेस ऊर्जा की दौड़ में शामिल हैं। ये ऐसे काम करेगा, धरती से करीब 35,000 किलोमीटर दूर उसकी जियोस्टेशनरी कक्षा में सैटेलाइट विशाल पैनलों की मदद से सौर ऊर्जा को जमा करते हैं। वे ऊर्जा को माइक्रोवेव रेडिएशन में बदलकर उन्हें धरती की ओर मोड़ देते हैं। जमीन पर विकिरण की उस बौछार को रिसीव करने के लिए एंटीना का एक जाल बिछाया जाता है, इसे रेक्टेनास भी कहते हैं। वे माइक्रोवेव्स को जमा करके उन्हें बिजली में तब्दील कर देते हैं। हर सैटेलाइट 2 गीगावाट ऊर्जा बना सकता है, 700 पवन चक्कियों से हासिल ऊर्जा के बराबर। ये बहुत विशाल होंगे, करीब 1.7 किलोमीटर का उनका व्यास होगा और वजन होगा कई हजार टन। सैटेलाइट दिन में 24 घंटे धरती को ऊर्जा सप्लाई करते रहेंगे। ये ऊर्जा बीम पशुओं और इंसानों दोनों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। इसमें दिन के सूरज की 1/4 तपिश होती है, लेकिन ट्रांसमिशन और कन्वर्जन की प्रक्रिया में ऊर्जा बेकार भी जाती है, और अंतरिक्ष में इन मॉड्यूलों को ले जाने और स्थापित करने की लागत आसमान जितनी ऊंची है। लेकिन अगर हम अगले दशकों में सौर ऊर्जा सैटेलाइटों को बना लें और उनमें पैसा लगा भी लें, तो भी हमें तत्काल रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और ज्यादा सौर ऊर्जा चाहिए, और तेजी से सौर ऊर्जा उत्पादन के ज्यादा व्यवहारिक तरीके मौजूद हैं। इनमें जमीन भी नहीं गंवानी पड़ेगी, ये तरीके ज्यादा सस्ते, तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं।